मम्मी आपको टाइप करना आ गया? अच्छा बोलता भी अच्छा हो ना वैसे? मैंने अच्छे सवाल पूछे। अच्छा आपके अच्छे सवाल। अब्बा डब्बा चब्बा। Hey guys, welcome to another vlog. आज का vlog बहुत important है क्योंकि पहली बार हम निदेश भाई के घर आए हैं after his marriage. शादीशुदा बंदा इन घूम अभी bachelor की तरह रह रहे हैं तो बनियान पाके घूम रहे पूरा फुल. हेलो भाभी एक बार हो जाए. Hi. हाँ है. और दूसरी ये भी इधर आ जा. ये दहेज है. ये वो है जो नहीं तो बंधन पिक्चर में साथ में नहीं आता है. इनकी लव मैरिज बताता हूँ मैं दोस्तों. मेनली ये हुआ इनका पहले अच्छा था फिर ऊपर नीचे जो भी होता है अक्सर रिश्ते में ऊपर नीचे तो होता ही है पर वो सब सही था पर सिर्फ मेरे मोमो खाने की आदत की वजह से मेरे मोमो खाने की आदत. नितेश भाई का दोबारा इनसे मिलाप हुआ मैं बता दूं कैसे. तो मतलब कहीं तो आए थे हम लोग कहीं मिले थे नितेश भाई आए मोमो खाने वहां पे मेरे साथ. मैंने कहा यहाँ के मोमो बेस्ट है यहाँ चलो. वहां हम मोमो खा रहे थे और सामने झटके ना भाभी की झलक दिख गई नितेश भाई को. पहले मुझे दिखी मेरे को अजय को दिखी थी ना और अजय बोला अरे नितेश भाई ना भाभी भाई हमने नितेश भाई के मुंह से ना मोमो ऐसा निकलता देखा बाहर. और इनकी भाई पूरा और इससे पहले इनके साल भर से 6 महीने से बातचीत बंद थी. फिर इनका ऐसा हुआ कि इनके मुझे मोमो निकल के पहली बार मैंने इनका मूड खराब देखा भाई पूरा तेरे ने टेस्टी मोमो ने फेंक दिया मोमो कह रहा चलो यहाँ से निकलो. भाई दिन श्रेया भाभी थी भी थी हमारे साथ और मैं आपको लोगों को बता नहीं सकता मैं इतना था गुस्से में था. उन लोग मतलब शायद भाभी उस दिन अगर कोई और रीजन रहता ना तो शायद हमारी बात नहीं मानती. और मैंने श्रेया भाभी को भी ऐसे बोला मैंने कहा भाभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है प्लीज चलो 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 वो भी नहीं देश का दिमाग खराब है चलो अरे चलो. और ये इस मैडम को पता ही नहीं कि ये कहाँ पर है कि हम इनके पीछे रोना पीटना मच गया पैसे भी दे दिए मोमो वाले. आपको पता है इंडियन लौंडे कैसे होते हैं ये अपने इमोशंस पे काबू तो रख नहीं पाते. रात को उन्होंने मैसेज भेज दिया हाय और बस वो हाय की देनी है. अपने फोन से नहीं ईगो पूरी रखी मम्मी के फोन से भेजा हाय. हाय बेटा कैसे हो पता क्या चल रही है मम्मी आपको टाइप करना आ गया. तो पहले इनकी बातचीत चलती थी अब उसके बदौलत वो सिर्फ एक दिन जिस दिन मेरा मोमो खाना का मन हुआ था उसकी बदौलत नितेश भाई देखो घर में क्या खा रहे हैं. जो आदमी भाई जिंदगी भर एकदम ट्रैवल रहता है खाने पीने का ध्यान नहीं अब अलग इनकी जिंदगी भाई ट्रैवल करने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरे को शादी की बात पता चली. वन इज गुआकामोले. व्हाट इज दैट मेरे को सिर्फ मोल पता था जिसे तिल बोलते हैं. हाँ. मैडम दिखा देना एक बार क्या था वो. भैया एवोकाडो होता पता हमारे घर बनता है. मुझे भी शादी की बात मुझे चिरिया ने बनाया था एक बार. अरे हमारे सारे दोस्तों को भाई मौका भाई ये प्लेट तुम्हें 795 की बेच दू बाहर. ये मैं मजाक नहीं कर रहा भाई ये घर पे खाना पहुंचा ये बाहर 795 प्लस GST का बिकेगा. मैं दिखा दूं कौन सी. ये देखो तो भाई थैंक यू. और भाई ये वाला खाना बना है घर के ऊपर. सोच रहे हो बाहर किसी भी आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे 795 प्लस GST के मिलेगा. इसको शमी कबाब साथ कौन सी चटनी हो रही है. ये तो वो है चटनी नहीं है भाई अपने चीज है ना. हाँ चीज गार्लिक और कुछ चीजें इनके घर में इनके मोहल्ले मैं नीचे का मोहल्ला दिखा नहीं सकता पर इस मोहल्ले में पहली बार ये वाला पोछा है जो अपने आप ही पोछा नहीं मार देता. और नितेश भाई कह रहे घर भाई सुबह 6 बजे लगा दे पूरा पोछा लग जाता घर के अंदर हो जाए. और नितेश भाई वो तो बताओ रिंकू भाई ने क्या बताया इसके बारे में. ये बताओ ना भाई नितेश भाई की लैटरिन में देख रहे पूरा भाई पूरा वो बना रखा पूरा शामी आना. वहा बताओ रिंकू भाई ने क्या बोला इसके बारे में. रिंकू भाई आए खुशबू आ रही थी इसमें. हाँ नीति काल सुन. खुशबू आती है सब कुछ है घर बसानी उसी कहते घर बसाना. भाई नितेश भाई कैसे निकल गए और बहुत दिनों बाद आया हूँ इधर. 12 खंबा रोड है ये पीछे और जो भी यार सीपी आगे थोड़ी फील तो है अभी. जैसे लोगों ने पहले यहाँ हर कोई चिल करने दिल्ली में यहीं आता था कुछ और था ही नहीं पर अभी कई सारी जगह बन गई हैं बेटर एरियाज आ गए हैं गुड़गांव वगैरह बहुत डेवलप हो गया. वरना पहले यहीं करने आता था. मेरा फर्स्ट ऑफिस 12 खंबा रोड पे था यहाँ से आगे जाके. अभी तो हम उसके जो इधर वाली रेड लाइट है उधर है जो लोग इस एरिया से वाकिफ है उनको पता होगा लाइक यू आर गोइंग टुवर्ड्स सीपी और उससे पहले वाली रेड लाइट इसके पीछे ना 12 खंबा रोड के पीछे शंकर मार्केट करके एरिया है वहाँ पे बड़ा मजा आता था भाई एकदम सरकारी दफ्तर टाइप लगता था. था प्राइवेट ही पर पूरा सरकारी. अभी लालबत्ती खुल गई. ओके दोस्तों तो बेसिकली किस काम से हम आए थे सीपी बहुत दिनों बाद. ये BBC में एक इंटरव्यू दिया मैंने. मैं यूजुअली कम करता हूँ पर मैंने कहा BBC तो दे ही सकते BBC हिंदी. और दवीना है मेरे साथ. हाँ तो दवीना ने मेरा इंटरव्यू लिया और ये आएगा कहाँ पे आएगा. BBC हिंदी में आप देख सकते हैं ये इंटरव्यू. हाँ. और गौरव को यहाँ पार्किंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो. हाँ. गौरव आई होप आपकी गाड़ी मिल जाएगी आपको. अरे यार मेरे को वही टेंशन हो रही है कनॉट प्लेस से पार्किंग तो है नहीं. तो दोस्तों पक्का देख लेना. और कैसा दिया मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया ना वैसे. मैं अच्छा बोलता भी अच्छा हूँ ना वैसे. मैंने अच्छे सवाल पूछे. अच्छा आपके अच्छे सवाल. ठीक है चलो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा चाय के साथ कोई भुजिया खाता है कोई रस खाता है कोई पूड़ी अचार भी चलो मान लिया खा लेता है कोई किसी और का कुछ और शौक है कोई फिरंगी टाइप है तो वो खा लेते हैं. क्या कहते हैं
कुकी और वो सब जो आता है मिलता है बाहर, जिंदगी में पहली बार आपको छोड़ो मैंने खुद ने पहली बार देखी कोई चाय के साथ भटूरा खा रहा है और कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट भटूरा, मतलब ना अचार है ना कुछ है, बस तेल वाला भटूरा है। पैर को छोले भटूरे बने थे यहाँ पे तो श्रीरा ने स्पेशली दो भटूरे अलग से बनवा के रखवा लिए, तीन भटूरे की चाय के साथ भटूरे खाऊंगी कच्चे। आए हाय ये क्या कॉम्बिनेशन है यार भाई साहब, दोनों की अलग ही जिंदगी चल रही है। मैं अभी तो खाता हूँ भुजिया के साथ चाय। हमने फेल कर दिया क्या? आइसक्रीम मैगी बन रही है और ये अलग ही कॉम्बिनेशन है भाई, सोच के अजीब लग रहा है। साथ में चीनी चाय और भटूरा। फुल ऑन शॉपिंग चली जा रही है, घर के लिए चल रही है, वैसे पर्दे आने वाले हैं और मैं यहाँ पे आराम फरमा रहा हूँ। भाई आज गुड़गांव में आए हैं शो करने, हालत बुरी है पर शो तो करने हैं, वो भी दो दो सब ये कैसा स्टेटमेंट है, कैसी बातें कर रहे भाई ये मेरे से मत पूछ, अपने आसपास वालों से पूछो। बताओ भाई साहब, मैंने एक बंदे को बोला कि व्लॉग बना ले, ये अभी बना है नहीं, कह रहा कब डलेगा। What is this language? It's a family friendly show. So we performed in Gurgaon today. It was absolutely amazing. Have you enjoyed it? आप लोग थोड़े बोलोगे, थोड़े थोड़े अंबानी के बेटे। हल्की हल्की लुक्स है ना इसकी अंबानी के बेटे पर। मेरे को तो आपको आप दो चार लोग आओगे व्लॉग में? हैं? कौन बोला व्लॉग में आने के पैसे? किसने बोला? आपने बोला? ये सुनो, अब्बा डब्बा चब्बा। पेमेंट सिर्फ मेरे अकाउंट में जाती है सारी। सुनो दोस्तों, आज हमने शो करा गुड़गांव में, एक अपने कौन भाई आए किधर से यार, आप लोग बता दो ये सर सोनू सूद जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे, प्लीज बता दो प्लीज। मेरे को इनमें बहुत सारी सोनू सूद वाइब्स आ रही है और इस आदमी ने अपने फ्रेंड का पूरा वो खोल दिया है, ये अभी थाईलैंड होके आया है और उसकी बीवी के सामने क्या थी आपको पता था है? आप ट्रेडिंग में लगे हुए थे, ये वहां जाके अलग ट्रेडिंग कर रहे थे वहां पे। हेलो मैम, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द ब्लॉग, यू एंजॉय इट? कहां से आप? दिल्ली? गुड़गांव से? यू कहां से? कहां से? फरीदाबाद वाले यहां भी थोड़ा बॉर्डर के पार ही बैठे हैं, देखो वहां। भाई भी गुड़गांव वाले शो करके आए हूँ, दोनों मजा ही आ गया। मतलब मैं नॉर्मली रोज रोज शो कर रहा था तो बहुत थक गया था, तो उसके बाद इसके पहले मैंने भी 5-6 दिन का ब्रेक लिया था। जबरदस्त फन, मतलब एकदम मजे में ऑडियंस आई थी आज तो पूरे जोश में, मेहनत नहीं लगी कहीं, वो वाले शो नहीं होते जिसमें बस अपने आप जाओ और अपने आप चलना शुरू हो जाता है। मैंने कहा भाई गिफ्ट बिल्कुल मत लाया करो क्योंकि नहीं ले, मतलब नहीं नहीं नहीं, इट्स लाइक दैट। तो पर एक आया था, एक कपल आया था और एक भाई ने पकड़ा दिया एक चीज़ हाथ में, कह रहे नहीं ये कुछ भी नहीं है बस आप रख लो, हमने कुछ हमारा कुछ तो स्टार्टअप है और उसका उसी का है कुछ, यू लाइक इट जैसे। तो मैं घर पे ले गया और क्या मस्त क्रिएटिव चीज़ निकली, मज़ा ही आ गया है। ये कोई तो लेजी गार्डनर करके ब्रांड है, तो मस्त मस्त चीज़ें, अगर आप गार्डनिंग वगैरह का शौक है श्रेया तो खुशी होगी, देखिए दिखाना चलो। और क्या है ये, क्या चीज़ होती है ये? प्लांट के उसमें डाल दो, तो मतलब फूड है, फूड फॉर प्लांट। ये है ये सबसे मस्त चीज़, तो ये देखो, ये देखो ये बढ़िया है ना। वैसे अगर नहीं करनी गार्डनिंग तो उसे चावल भी निकाल सकते हैं। नहीं चावल वावल के भी काम आ सकता है वो, नहीं होता जो खाद वाद के लिए, खुरपी। और सबसे बेस्ट चीज़ तो निकली है ये भाई, ये देख रहे हो फ्रिज मैग्नेट में, इसमें पौधा लग जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मुझे लगा गिर गुर ना जाए। सॉरी मैं हूँ गधा, बस इतनी स्ट्रॉन्ग है मतलब कि थोड़ा दूर रहना, ये नहीं कि भाई एकदम ही थोड़ा, पर ये देखो इतने इतने पे तो नहीं गिर रही, इतने पे तो ऐसे ऐसे हिल रहा है ना, इतनी तो स्ट्रॉन्ग है ही। ठीक है यार, इसका स्ट्रॉन्गनेस नहीं चेक करना, इसकी ब्यूटी चेक देखनी है। मेरे को उनका भाई का नाम नहीं पता पर लेजी गार्डनर इनका स्टार्टअप है, मैंने सुन देखा है इंस्टाग्राम पे। हैं देखा है क्या? ये क्या चीज है? ये पता नहीं, ये योगा करने के लिए योगा मैट है क्या? प्लांट पेरेंट्स है ना, तो इसमें अपने बच्चे प्लांट्स को डालो, रस उसे सुलाओ, प्लांट्स उसे कर देगा, उसके लिए ये भी है पानी का। तो ना ढंग के जोक मारा करो श्रेया, मैं भी पता है शो करके आया हूं, तो ये घटिया मटेरियल मत करा करो मेरे सामने, ठीक है? भाई मैंने सुबह उठ के देखा वो लेजी गार्डनर, तो सच में तगड़ी कंपनी है यार वो, तो मेरे को लगा कुछ नया स्टार्टअप होगा, ये तो अच्छी खासी कंपनी है बड़ी यार। और ये देख लो श्रेया ने इसकी डंडियों को इस्तेमाल कर भी दिया है। क्या फराटा था अंग्रेजी बोली है। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय। कहीं मैसेज आ रही थी, गौरव भाई फिर से इरेगुलर हो गए हो, लगता है सारा सामान आ गया है। नहीं इरेगुलर नहीं हुआ हूँ, सामान के हिसाब से नहीं होता है यार, वो दो तीन दिन भाई शो वो चल रहे थे उस टाइम पे थोड़ा हो जाता है,
टाइम नहीं मिला था, थकान हो जाती है भाई मैं कैसे, अब मेरा गला भी आपको हल्का हल्का पता चल ही रहा होगा, बट यस नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून।